हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दी मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स राइट अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर सेवन दैट इज कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन ऑफ क्लास टेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन से क्या समझते हैं कंट्रोल मीन्स किसी पर कंट्रोल करना कब्जा करना मतलब कि वो आपके अकॉर्डिंगली हर काम करे उस पर आपका कंट्रोल पूरा हो तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में आती है और अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी में एनिमल्स की बॉडी में ऑर्गन एक दूसरे से कैसे कॉर्डिनेट करते हैं या एक दूसरे पर कैसे कंट्रोल रखते हैं सो so बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनकी बॉडी में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है क्लियर? अब ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं, दे आर बेसिकली प्रोवाइडेड बाय नर्वस टिश्यूज एंड मसल्स टिश्यू सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी नर्वस सिस्टम ठीक है अब नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ सम नर्व सेल्स जिसको हम बोलते हैं न्यूरोन यस नर्व सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरोन अगर आप अपनी बॉडी में से एक सेल को निकाल लोगे तो दैट मीन्स आपने एक न्यूरोन अपनी बॉडी से निकाल लिया क्लियर अब ये करता क्या है इट इज बेसिकली स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग द इम्पल्स थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और कंडक्टिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू एन इलेक्ट्रिकल इम्पलसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर पार्ट अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे इन्वायरमेंट में ये कैसे डिटेक्ट होती है ड्यू ट्यूसम नर्व सेल्स क्लियर अब नर्व सेल्स कहाँ होते हैं मतलब वो कैसे ट्रांसफर करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तो हमारी बॉडी में न रिसेप्टर्स होते हैं और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर लोकेटेड इन समस ऑर्गन्स अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ एक रिसेप्टर होता है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर वो क्या करता है दे विल डिटेक्ट टेस्ट मीन्स आपने कुछ खाया ठीक है अब वो मीठा है खट्टा है कड़वा है कैसे पता चला आपको तो वो रिसेप्टर आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपके ब्रेन तक कि ये टेस्ट ऐसा है अगर मैं दूसरे रिसेप्टर की बात करूँ इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स वो क्या करता है ये एक्चुअली आपकी स्मेल को डिटेक्ट करता है मतलब अगर कोई भी स्मेल आई कुछ गंदी है या फ्रेग्रेंस है तो आप को स्मेल आ जाती है कि ये कैसी किस तरीके की स्मेल है तो ये कैसे ये आपके रिसेप्टर ने आपको बताया और ब्रेन तक मैसेज दिया कि ये स्मेल कैसी है सिमिलरली हर एक ऑर्गन का एक रिसेप्टर होता है जो अपनी हर चीज को डिटेक्ट करता है और फाइनली जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर को मिली वो आपके ब्रेन तक लेकर जाता है क्लियर अब नर्व सेल से हमने ये तो पता लगा लिया कि नर्व सेल होते हैं न्यूरॉन तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ एक न्यूरॉन है ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं जो वन बाय वन कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं और हर एक ऑर्गन का अपना एक न्यूरॉन होता है फॉर एग्जाम्पल आइज के साथ जो एसोसिएटेड है वो अलग है नोज के साथ जो एसोसिएटेड है वो अलग है ब्रेन के साथ जो एसोसिएटेड है वो अलग है नर्वस टिश्यू के लिए अलग है मसल्स के लिए अलग है तो अब किस लेकिन ये, इनका जो फंक्शन है वो एक्चुअली एक ही पाथ में होता है तो अब आपको ये देखना है कि ये जो एक न्यूरॉन है ये कैसे फंक्शन करता है कैसे प्रोसेस करता है आपको फिर समझ में आ जाएगा कि वन बाय वन कैसे ट्रांसमिट होती है इन्फॉर्मेशन और कैसे ब्रेन तक पहुंच जाती है अब अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करूं, तो पहला आप देख रहे हो ये वाला इसको क्या बोलते हैं डेंड्रॉन डेंड्रॉन क्या होते हैं ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल लाइंस की तरह होते हैं इसको एक्चुअली पेरी ऑफ साइटॉन बोलते हैं ये क्या करते हैं रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और टुवर्ड्स साइटॉन उसको पहुंचा देते हैं उसके बाद ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो ये न्यूक्लियस है फिर ये आपकी सेल बॉडी हो गई स्टार शेप्ड बॉडी को हम साइटॉन बोलते हैं और ये जो लॉन्ग ट्यूब जा रही है इसको हम एक्जॉन बोलते हैं अब अगर हम इसकी बात करें तो ये आप जो बॉक्सेस देख रहे हो ये माइलिन शीट है इसको हम श्वान सेल्स बोलते हैं और हर एक एक्जोन एक के बीच में गैप होता है जिसको हम नोड ऑफ रेन बोलते हैं क्लियर और लास्ट में हमारा हो गया नर्व एंडिंग अब कैसे काम करता है फर्स्ट आपका डेंड्रॉन इसका फंक्शन आपको क्लियर हो गया ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेता है और इम्पल्स को सेल बॉडी के अंदर भेज देता है उसके बाद माइलिन शीट ये क्या करता है दिस इज रैप्ड बाय श्वान सेल्स विच फॉर्म इंसुलेटिंग मटीरियल्स अगर आप नोड ऑफ रेन वायर की बात करो तो ये क्या करता है ये इम्पल्स को एक नोड से दूसरी नोड में ट्रांसफर करता है ठीक है फिर आपका आता है नर्व एंडिंग जिसकी हम बात अभी बाद में करते हैं डिस्कस करते हैं इसको अब कैसे करता है यहाँ से रिसेप्टर आया इन्फॉर्मेशन लेके जो रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन लेकर आता है वो केमिकल सिग्नल की फॉर्म में लेकर आता है किसी भी जैसे हमारा स्टिमुलस हुआ हमने हॉट प्लेट पे टच किया तो जो स्टिमुलस होगा वो हॉट प्लेट हुआ जैसे ही आप टच करोगे उसको पीछे करोगे ठीक है तो जो रिसेप्टर है उसने इन्फॉर्मेशन ली केमिकल सिग्नल की फॉर्म में अब जैसे ही केमिकल्स यहाँ पर आते हैं डेंड्रॉन क्या करता है उसको पिक कर लेता है पिक करके सेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है अब सोचो कितना गजब का ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है कि जैसे ही ये डेंड्रोन सेल बॉडी में केमिकल सिग्नल को पहुंचाता है ये सेल बॉडी तुरंत उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है क्योंकि हमारे जो रिएक्शन और एक्शंस होते हैं ना वो इंस्टेंट होते हैं मीन्स आप माइक्रो सेकेंड के अंदर उसको रिस्पॉन्ड देते हो तो ये माइक्रो सेकेंड में जो आप रिस्पॉन्ड देते हो दैट मीन्स रिसेप्टर से जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई उसका टाइम भी होगा आपका माइक्रो सेकेंड वाला तो अब केमिकल सिग्नल में इतनी पावर नहीं होती कि वो इतनी जल्दी या इतने फास्टर रेट से एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन पे पहुंचा दे। ये सिर्फ कौन कर सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो जो सेल बॉडी होती है वो क्या करती है कि केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है यहाँ पर उसके बाद एग्जॉन क्या करता है यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर जाता है और नर्व एंडिंग पर पहुंचा देता है अब नर्व एंडिंग पर यहाँ पर आ गया अब नर्व एंडिंग क्या करता है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गैदर्ड हो गई इसकी अब ये दूसरे न्यूरॉन पे कैसे जाएगी क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जो गैप होता है वो कनेक्टेड नहीं होता है ये और ये न्यूरॉन कनेक्टेड नहीं है तो अब नर्व एंडिंग क्या करता है यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है अगेन उसके अंदर ऐसे न्यूरो होते हैं केमिकल्स होते हैं जैसे आपका एग्जांपल है एसिटोकोलाइन एड्रेन ये वाले केमिकल्स क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं अब जैसे ही केमिकल्स बाहर सिक्रीट हुए यहाँ पे जो डेंड्रॉन है उसने फिर से उसको पिक किया और सेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया क्लियर अब आप ये सोचो कि इन दोनों में जो गैप होता है उस गैप को एक्चुअली बोलते हैं साइन इस गैप को जो फिल करता है उसको बोलते हैं साइन अब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ही न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये डायग्राम बनाने का पर्पस मेरा ये था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत इजी है और इन केस अगर आपके एग्जाम में आता है तो विदाउट डायग्राम इसको आप अटेम्प्ट नहीं करोगे किसी भी कंडीशन में और इतना सिंपल डायग्राम है ये कि बस आपने कॉन फिजिक्स में कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा होगा राइट ऐसे वाले है ना अब आपको बस कॉन्वेक्स की लाइन चार पाँच ड्रॉ करनी है एक लाइन करनी है और उसकी नर्व एंडिंग निकालनी है तो ये डायग्राम आपको बनाना ही है एग्जाम में और अटेम्प्ट करना ही है अब ये आपके सारे फंक्शंस भी क्लियर हो गए कि कौन कैसे काम करता है ऐसे ही एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है और फाइनली ब्रेन तक लेकर जाता है क्लियर सो इट इज़ ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ Neuron. In the next video, we will talk about reflex action and reflex arc. Till then, keep revising.